गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं। सो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूं, क्योंकि अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा, यानी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप तक पहुंचता रहे और आसानी से सारी बातें समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल सी, प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में कुछ बातें हैं जो हमेशा समझने लायक है, और वो जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो दे रहा है ना, अब इसमें आपके आपके मन में क्या ख्याल आएगा। हम लोग बचपन से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब होता है सिंपल फॉर्म, राइट। यहां तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है, और हमें जो प्रूफ भी करना है वो तो सिंपल फॉर्म की तरह ही है, इसमें हम आखिर क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से थोड़ा सा हम लोग दिमाग का यूज करते हैं। मतलब क्या यूज करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। यहां देखिए, जो गिवन जो हमारा टर्म है वैसा ही आपका क्या प्रूफ करने वाला भी टर्म है। बस यहां पे फर्क क्या है कि प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये करना है। तो जरा सोचिए, जो गिवन है उसी से रिलेटेड हमारा प्रूफ भी करना है। गौर फरमाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो आपका गिवन है अगर उसी से रिलेटेड हमें प्रूफ करना होता है, तो याद रखिएगा जो हमें प्रूफ करना होता है ना, जैसे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को इतना प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो प्रूफ करना है यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको एक्स मान लेना होगा। तो बता दो, जो आपका टर्म गिवन है, देख सकते हैं गिवन है, वैसा ही कुछ यहां भी टर्म है, तो उस केस में क्या करना है कि जो आपको प्रूफ करना उसको एक्स मान लेना है। फिर क्या करना है, जरा गौर फरमाइए। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यही तो हमारा गिवन है ना, ए साइन ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल सी, इक्वेशन वन मान लीजिए, कोई दिक्कत है ना। चलिए, और जो आपको प्रूफ करना है उसको आप एक्स मान लो, क्या है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल, यहां पे क्या मान लेते हैं एक्स, और ब्रैकेट में ले लेते हैं से इक्वेशन टू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हुआ, मैंने क्या किया, हमें जो प्रूफ करना उसको एक्स मान लिया। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स वी गेट। ओके, तो जब हम यहां पे स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो आप बताओ कैसे स्क्वायरिंग करते हैं, एलएचएस वालों को एलएचएस से स्क्वायर करके ऐड करते हैं, इक्वल आरएचएस वाले को स्क्वायर कर एक साथ ऐड कर देते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है, ये टर्म है ना, इसको लिखिए क्या, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस देंगे और क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। समझ पा, बात आ रही है, एलएचएस को स्क्वायर किए, इसको भी स्क्वायर किए, दोनों को प्लस कर दिए, दैट इक्वल क्या लिखेंगे, आरएचएस का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर बात है यहां तक। अब जरा खुद सोचिए इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप खुद कहोगे सर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको अगर करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे खुद सोचिए, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ यार ना, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है माइनस ट्वाइस ए बी, तो क्या होगा टू
ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ या ना? चलिए, यहां साइन आपका प्लस है तो आप प्लस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, कैसे ब्रेक करेंगे जरा गर्फ माओ। तो ए का स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब प्लस क्या आता है टू ए बी ट्वाइस ए बी, तो टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। देख सकते हैं जब इस दोनों को टू ए बी करेंगे तो टू ए बी साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन, दैट इक्वल क्या हमारा है यहां पे खुद देख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बातें समझ में आ रही है ना। अब खुद सोचिए कि यहां पे माइनस टू ए बी साइन कॉस और यहां पे प्लस टू ए बी साइन कॉस, ये दोनों आपका फिनिश। हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। अब जरा सोचिए क्या रेस्ट हमारे पास है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्लियर है, क्या करेंगे यहां पे, तो करना क्या है कि ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख देना है और बी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करना है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि एक जैसे टर्म को आपको ग्रुप कर देना है, ग्रुपिंग करना है। कैसे करना है जरा गौर फरमाइए। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा खुद सोचिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल यहां पर खुद देखिए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बातें समझ में आई ना। अब जरा सोचिए, याद करिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। अगर साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो और उस दोनों में थीटा सेम हो, मतलब एंगल सेम हो, तो उसका वैल्यू वन होता है। लेकिन एक बात बताओ आप, अगर मैं ऐसा कहूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्या वन होगा? कभी नहीं होगा। कब वन होगा? जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल वन कहते हैं, या साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल वन कहते हैं। कहने का सेंस क्या है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में अगर एंगल सेम हो तो उसका सम यानी कि प्लस हमेशा क्या होता है वन होता है। सारी बातें समझ में आ रही है? तो अब बताओ मुझे यहां पर क्या ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल क्यों नहीं, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। फिर प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे नहीं दिख रहा होगा यहां तो क्लियर बात है। चलिए अब यहां मैं लिख देता हूं, स्पेस तो है हमारे पास। अब बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है वन, तो ए स्क्वायर को वन से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कुछ ऐसा होगा ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख दो इंटू, खुद देखिए यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, मतलब थीटा भी सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल वन, इक्वल हमारे पास क्या है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब खुद सोचो ए स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर? हाँ या ना? फिर आप बताओ स्क्वायर कहीं भी हटता है तो हम लोग क्या देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट, तो वैसा ही यहां पर लिख सकते हैं क्या एक्स इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और आप मुझे बताओ एक्स हम क्या अज्यूम किए थे, एक्स हमने क्या माना था? तो आप कहोगे सर यहां मैं लिख देता हूं, आप कहोगे सर एक्स आपने अज्यूम किया था, यहां देख लीजिए ए एक्स क्या अज्यूम किए थे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं क्या देयरफॉर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और हमें यही प्रूव करना था जो कि हमारे पास रिलेशन आ गया। उम्मीद करता हूं सारी बातें ए टू जेड आपने समझा, अच्छे से समझा। अगर समझ में सारी बातें ईमानदारी पूर्वक अगर आया प्लीज
वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच जितना हो सके शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।